हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पापिया व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं भोपाल के हबीबगंज स्टेशन, जो कि नेम चेंज होके रानी कमलापति स्टेशन हुआ है, उसका इनसाइड स्टोरी? आप में से कितने लोग हबीबगंज स्टेशन, जो कि उसका फॉर्मर नेम था, उसका इनसाइड व्यू देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो ये शॉर्ट वीडियो पूरा देखिएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब विद बेल करना ना भूले। तो आइए बढ़ते हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि फॉर्मरली हबीबगंज स्टेशन के नाम से प्रचलित था, उसका इनसाइड व्यू। ये जो स्टेशन है बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप इनसाइड देख के आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि रेलवे स्टेशन ऐसा भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं स्टेशन की तरफ। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को इसी साल किया। देश के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन को पूरी तरीके से रीडेवलप किया गया है। दरअसल जर्मनी की हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर इसका रीडेवलपमेंट हुआ है। दरअसल राज्य के परिवहन विभाग की ओर से हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिस पर मंजूरी दे दी गई थी। दरअसल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत भारतीय रेलवे ने 1979 में तैयार हुए हबीबगंज स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और काफ़ी समय तक ये प्रोजेक्ट चलता रहा और जुलाई 2021 में हबीबगंज स्टेशन बनके तैयार हो गया था। बता दें कि ये स्टेशन कई मायनों में खास है। आप लोग जानना चाहेंगे कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन खास कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस स्टेशन में एक एयर कॉन्कोर्स है, जिसमें एयरपोर्ट की तरह ही दुकानें और कैफेटेरिया है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत कई आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिलने जा रही है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन में कम से कम 900 यात्री एयर कॉन्कोर्स में बैठ सकेंगे, और एक प्लेटफॉर्म पर 2000 लोग ट्रेन का आराम से इंतज़ार कर सकते हैं। दरअसल PPP मॉडल के तहत ये स्टेशन 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें यात्रियों के आने जाने से लेके हर तरह की आधुनिक व्यवस्था की गई है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के इरादे से भारतीय रेलवे ने बंसल ग्रुप के साथ समझौता किया है। आपको बता दें कि ये स्टेशन का कॉन्सेप्ट जर्मनी के हेडरबर्ग स्टेशन से लिया गया है। अब जानते हैं फ्रेंड्स लेटेस्ट न्यूज, हबीबगंज स्टेशन का नाम चेंज होके अभी किस रानी के नाम से है उनके बारे में जानें। हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखने का फैसला उनकी वीरता और पराक्रम को देखते हुए लिया गया है। मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति की सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए नया रानी कमलापति स्टेशन उनकी विरासत और उनकी जनजाति के योगदान के सम्मान करने का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, जैसे कि अब आप जान गए हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन होगा, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को उद्घाटन किया है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको जो हबीबगंज स्टेशन का अंदर का व्यू दिखा दिया है। रानी कमलापति स्टेशन का जो कोड है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, स्टेशन में अभी भी कार्यक्रम जारी है। उसके बाद जो रानी कमलापति जी का बोर्ड प्लस जो कोड होता है, स्टेशन कोड, वो भी लग जाएगा। और ये अंदर का व्यू है, ये देखिए किस तरीके से ये कैरेज अरेंज किया गया है, कितना साफ सुथरा है अंदर का व्यू, जिसकी वजह से ये स्टेशन बिल्कुल एप्टली ISO सर्टिफाइड भी हुआ। भोपाल वासियों का गर्व और यात्रियों को आगमन के लिए
जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई उसको मुझे आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से बताते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाते हुए मुझे जितनी खुशी हुई है, आप लोगों को बताते हुए जितनी खुशी हुई है, आशा करती हूँ आप लोगों को भी उतनी ही खुशी होगी। जब भी आप आए इस स्टेशन में, ज़रूर एक बार विजिट करें। बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा ये स्टेशन है। रीडेवलपमेंट के बाद तो देखने लायक है। सारे जगह सीसीटीवी कैमरा, एकदम अत्याधुनिक सारी सुविधाएं यहाँ पे की गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करवाइए। और लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि इसका हबीबगंज स्टेशन का बोर्ड किस तरीके से निकल रहा है। ये देखिए, ये हबीबगंज का बोर्ड निकाला जा रहा है, रानी कमलापति का बोर्ड लगाया जाएगा। और ये देखिए, हर्ष उल्लास के साथ। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। बाय बाय हबीबगंज, फेयरवेल। बाय बाय, अलविदा।